और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। सुशांत केस से जुड़ी हुई सैमुअल मिरांडा को हिरासत में ले लिया गया है। ड्रग्स कनेक्शन के चलते सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लिया गया है। एनसीबी ने हिरासत में लिया है। सुबह से ही सैमुअल मिरांडा के घर पर भी ये छापेमारी जारी थी और अब एनसीबी ने हिरासत में सैमुअल मिरांडा को ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो एक तरफ रिया चक्रवर्ती के घर पर ये छापेमारी जारी है और दूसरी तरफ सैमुअल मिरांडा को एनसीबी ने अब हिरासत में ले लिया है। घर में छापा मारा था मिरांडा के और उसके बाद अब हिरासत में लिया गया है। तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर सुशांत केस से जुड़ी हुई, जिस तरह से ड्रग्स कनेक्शन यहां पर सामने आ रहा है उसके बाद ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो चुका है। जिस तरह की चैट सामने आ रही है, जिस तरह से खुलासे यहां पर हो रहे हैं उसके बाद सैमुअल मिरांडा को एनसीबी ने हिरासत में ले लिया है। सुबह से ही रिया चक्रवर्ती के घर पर और उसके बाद सैमुअल मिरांडा के घर पर एनसीबी की टीम मौजूद थी, जिसके बाद अब सैमुअल मिरांडा को हिरासत में ले लिया गया है। अब कितने दिनों की हिरासत में लिया गया है, किस तरह की जांच अब हमें आगे की जाएगी। पूछताछ इससे पहले जारी थी लेकिन हिरासत में सैमुअल मिरांडा को इस वक्त लिया गया है। देखिए सीधी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है, किस तरह से यहां पर सैमुअल मिरांडा को हिरासत में ले लिया गया है। ड्रग्स कनेक्शन यहां पर जिस तरह से सामने आया, पहले खुदकुशी फिर उसके बाद मर्डर की तरफ ये केस घुमा और उसके बाद जब लगातार खुलासे होते रहे तो फिर आया ड्रग्स कनेक्शन। एक ऐसा कनेक्शन जिसने कई और बड़े खुलासे किए।